ये वापस मैं आपको करती हूँ बात, तो आप भी ट्राई करो। इसका क्या बोलता है, 5 सेंटीमीटर लेंथ ले, 5 सेंटीमीटर लेंथ पता है, 1 सेंटीमीटर है, वैसे आपको 5 तक ड्रॉ कर, 5 आपको ड्रॉ किया, नाम दे देते हैं ए। अब ये इसको बाइसेक्ट करना है, बहुत ही खूब के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ए पॉइंट पे बैठा राउंडर, ये हाफ से भी ज्यादा, या तो आप अगर पूरा भी लो तो भी चलेगा, मैं यहाँ तक ले लूँ, फिर ऊपर एक कर, नीचे भी एक कर, सेम बैठाते हैं, 2 पॉइंट मिल गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी। अभी ये सी डी को कनेक्ट करते हैं, ये पे और एक पॉइंट मिल गया बाइसेक्ट क्लियर। अभी सेकंड देखो, इन पे क्या पता है, 12 9 8 7 6, अब ये 9 है ये 7 6 देना है आपको, और इसको 4 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट के लिए आपको पहले क्या करना है, टोटल जो लेंथ आपका 7 सेंटीमीटर है, इसको पहले बाइसेक्ट करना है। ये एकदम ये इसकी तरह ही होगा, फर्स्ट इसको बाइसेक्ट करते हो तो ये मिडिल वाला वो पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, ये ए ओ को लेना है, ये वाला इसको वापस से बाइसेक्ट करना है, फिर ओ बी को लेना है, वापस से बाइसेक्ट करना है, आपको 4 पार्ट मिल जाएगा। ये एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। लाइन बहुत 7 सेंटीमीटर जो प्रोसेस मैंने बताया स्टार्टिंग में यूज किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन सेकंड वही कर सकते हैं, एक पॉइंट मिल गई। फिर क्या करना है, ऐसे हाफ से भी ज्यादा इतना, ठीक है। सेकंड वाला सॉल्व, ठीक है। थर्ड नंबर, मुझे फ्रेश
1 सेंटीमीटर लॉन्ग तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्या आइडिया है कैसे करना है? कंस्ट्रक्शन टाइप पढ़ के देख। लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट क्या करना है? कोई भी मेजर का एक एंगल बनाना है आप, ए और बी दोनों साइड से, ए और बी दोनों पॉइंट। फर्स्ट हम लोग और ये कैसे करना? क्या अभी नहीं, अभी यहाँ पे लिया ना, कोई भी एंगल का बोला है ना, कोई भी एंगल का आप मेजर ले सकते। ये ऐसा नहीं है कि हाफ से ज्यादा लेना है या तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इतना लिया, अब ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया ना, ये पॉइंट आया। अभी आप यहाँ पे बैठा होगे, ये सेम मेजर रहेगा, यहाँ से यहाँ जो मेजरमेंट था वही मेजरमेंट रहेगा, ये हिलना नहीं चाहिए। तो बैठाया, करेक्ट कर, ये पॉइंट मिला। इसको कनेक्ट करना है आप, थोड़ा कम उसको बेटर रहेगा, मैं चेंज कर दूँ। ऊपर की तरफ जाएगा तो कट फेस बन जाएगा ज्यादा और छोटा। लाइन और सेम मैंने बी पे बैठाया, सेम मेजरमेंट लेके फिर कट किया, ये पॉइंट पे बैठाया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मिला और यहाँ पे एक पॉइंट मिला, तो इसको आप इनहेंस कर सकते हो। तो ये पॉइंट एक काम करो, हाफ से ज्यादा ले लो, हाफ से ज्यादा ले लो, नंबर लाइन इसके साइड हो जाएगा, हाफ से ज्यादा ले लो। ज्यादा ले लो ज्यादा, हाँ हाफ से ज्यादा ले लो लाइन। एबी का जो लेंथ है ना, ये अगर हाफ यहाँ पे होता है, हाफ से ज्यादा लो लाइन ना ले लो, ठीक है। और यही मेजरमेंट का ये जो पॉइंट मिला यहाँ पे बैठा के, फिर एक कट करो, यहाँ पे पेंसिल काम करते। इसको और छोटा छोटा कर देते हैं, इसको और कम कर देते। लाइन मेरा बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे कर सकते, ये 2 पॉइंट होगा, छोटा कर देते। अभी यहाँ पे जो पॉइंट मिला और यहाँ पे जो पॉइंट मिला, इन दोनों को कनेक्ट।
स्कूल के अंदर थोड़ा डार्क हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट में कौन सा फिक्स डिस्टेंस लेना है? मैं मोटा मोटा कितना साइज का लेती हूँ? इधर से 1, ठीक है, यहाँ तो बैठाया। छोड़ दिया। सेम मेजरमेंट फाइव सिक्स हो गया। इधर से भी वैसे ही सिक्स आए आना चाहिए। सेम मेजरमेंट फाइव सिक्स। अभी इसको कनेक्ट करो, ठीक है? एक साइड से लिया सिक्स लिया, यहाँ पे तीसरे बैठा के वैसे ही सेम लेंथ का रहेगा, छह लाइन बनाना। के बाद नंबरिंग करो पहले, ठीक है ना? 5, 4, 5, 6। ऐसे यहाँ पे 1, 5, 6। अभी 1 और 6 कनेक्ट करना है। वन थोड़ा सा भी कितना नहीं चाहिए। वन फाइव कनेक्ट होगा। एंड फोर का देखो, और फाइव सिक्स एंड 1 का देखो। सिक्स इक्वल पार्ट पे डिवाइड हो गए, सिक्स ही बोला है ना? हाँ, ठीक है। इसलिए बोला आपको, तो इसको 10 बार इरेज करने वाले हो। तो मैंने क्या क्या देखा? ऐसे कैसे हो गया? वापस से करो। थोड़ा सा ठीक है। जैसा आपका देखो।